देखने आए थे और मुझे शादी करने में इंटरेस्ट नहीं थी बिकॉज मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे इशिता ने मुझे समझाया अभी कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई परस्यू कर सकती हूँ, उस वजह से मैंने अग्री किया है कि मैं शादी करूँगी और लड़का पसंद आ गया है, लड़की को मैं पसंद आ गई हूँ, शादी फिक्स हो गई है और कल रोका है ये मिला है मुझे शगुन के तौर पर और मेरे भाई ने तो बंद लिफाफे में कुछ उसे दिया है तो पता नहीं क्या दिया है लेकिन आई गॉट दिस पता नहीं, ये तो दूल्हे की भाभी बहन हाँ दूल्हे की बहन ने दिया है मुझे, पता नहीं मैंने अब तक आईने में देखा भी नहीं कैसे लग रहा है। होने वाले पति के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती, सबसे मैंने सिर्फ इस बात पर अग्री किया है कि जब मैंने उससे अकेले में बात की है तो उसने मुझे बताया है कि वो मुझे आगे पढ़ाई कंप्लीट करने देगा US में, बस उसी बात पे हमारी बात पकी हुई है, बाकी मुझे तो सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मुझे और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा कंसर्न बस वही था कि पढ़ाई चलती रहे शादी के बाद भी वो हो रहा है। हाँ ऐसे ही कुछ लग रहा है, पता नहीं अभी देखते, रोका तो है कल, उसके बाद पता नहीं शादी हो जाएगी 10-15 दिन। वेल रिंकी के लिए शादी का रिश्ता आया है जिसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और इसलिए इशिता ने बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझा के तैयार तो किया है। अब लेकिन इसी बीच में इस शादी के माहौल में एक टेंशन आ गई है कि रमन जो है उनकी नौकरी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है एंड इशिता उनको सपोर्ट तो कर रही है लेकिन जाहिर सी बात है बीइंग द मैन ऑफ द हाउस रमन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो यहाँ पर मैं उनका टेंशन रिलीज कर रही थी। वहीं पे एक बड़ी प्यारी सी चीज़ होती है कि आदि आता है और मुझसे खुद बोलता है कि इशिमा इशिता आंटी अब मुझे स्कूल तक छोड़ने चलेंगे, छोटी सी चीज़ है लेकिन किसी का एक एक्सेप्टेंस जैसा है तो एक अच्छी चीज़ भी हो जाती है। है तो एक ही सीन लेकिन उसमें लेयर्स बहुत सारे हैं, मल्टीपल लेयर्स सीन है। कल रुका हो रहा है रिंकी का, बहुत मुश्किलों से उसने हाँ बोली है, उसने लिटरली लड़के को ग्रिल कर दिया ऐसे ऐसे सवाल पूछे विच इज़ गुड, मैंने उससे कहा था कि तुम्हारे दिल्ली दिमाग में जो आए वो खुल के पूछ लेना एंड दैट्स व्हाट शी डिड। सो उसने देख परख के डिसीजन लिया। बाकी तैयारियाँ तो क्या है, खाना वाना बनेगा, सब लोग को एंजॉय करवाना है।